जो है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के जो मेहमानान ग्रामी हैं वो अक्सर जा रहे हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर वो चले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो भारतीय सहाफी, गीता मोहन और अभिषेक झा। अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों भारत से आए हैं। आइए इन दोनों से बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो इनको किस नज़र से देखते हैं। तो गीता, आप बताइए कि खबर आई कि किस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, फिर हमने वीडियो भी जारी की, तो आपकी इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या है? देखिए, चिट चैट कहा जा रहा है, हम ऑफिसर्स डिप्लोमेट से बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी साइड, और कहा है कि चिट चैट है, बिल्कुल पुल असाइड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पुल असाइड तब होता है जब किसी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग के बजाय आप अलग से मिल रहे हैं और वहां पर आपने कुछ तय कर लिया हो। यहां पर क्योंकि लंच के दौरान लीडर्स बैठे हुए थे, फिर लाउंज में प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम के साथ भी मुलाकात थी और चिट चैट के माहौल में बातचीत थी, लेकिन हाँ, माहौल अच्छा था, एटमोस्फेरिक्स अच्छे थे, पॉजिटिविटी नजर आ रहा था। आप गोवा में थे एज अ, और आपको याद है गोवा में क्या माहौल क्या था, माहौल क्या था, एटमोस्फेयर क्या था, और फिर आपने यूएनजीए में देखा एटमोस्फेयर क्या था, माहौल क्या था। उसके बाद सडनली इतना मेजर शिफ्ट होना, जहाँ पे हाथ नमस्ते नहीं, शेक हैंड हो रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं एक दूसरे के तरफ देखकर, और फिर अब ये भी पता चल रहा है कि चिट चैट कॉन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी हुआ। तो सही, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैक पे जाता नजर आ रहा है, लेकिन आप स्पीच ना भूलें डॉक्टर जयशंकर का, जहां पर उन्होंने दो बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए, एक आतंकवाद को लेकर और एक उन्होंने उठाया चाइना के प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो इंडिया के कंसर्न्स बने रहेंगे, लेकिन बातचीत होती रहनी चाहिए, वो मैसेजिंग जो है वो शायद अब वापस से नजर आ रहा है। आप लगती हैं कि ट्रैक जो है वो इख्तियार किया है, समझ दुरुस्त है? हाँ, ठीक है। गीता की बात आपने सुनी, अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपकी क्या ओपिनियन है? आपने देखी, वो फुटेज भी देखी, तस्वीरें भी आपने देख ली, हमने कुछ थोड़ी सी डिटेल उसकी रिपोर्ट किया, लेकिन विदाउट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स, हाउ यू सी? वेल, मुझे लगता है कि ये जो गीता ने जिस तरह से समप किया कि आप जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिप्लोमेटिक स्पेशली ऐसे टाइम में जब आपकी बातचीत बंद होती है तो हम बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा रीड करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो आप मेक कर नहीं रहे, आपने कोई ऐसी बायलैटरल टॉक्स की नहीं है, तो हम बस उन्हीं बॉडी लैंग्वेजेस को रीड करने की कोशिश करेंगे जो आप एक दूसरे से मिलते हुए बात कर रहे थे, या आप किस तरीके से एक दूसरे से मिले, गर्मजोशी से मिले या बड़े कोल्ड शोल्डर्स के साथ आपने उनको ऐसा लुक दिया। तो ये एक सिलसिला था जो हमने यहाँ पर देखा, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई। कम से कम पिछले एक हफ्ते में जो नैरेटिव इंडिया में बन रहा था और पाकिस्तान में भी हम देख रहे थे कि इस मुलाकात को लेकर बहुत स्पेकुलेशन थे, वहाँ पर बयानबाजी बड़ी स्ट्रांग हो रही थी, आपके यहाँ बयानबाजी हो रही थी कि इंडियन साइड सैबोटाइज करना चाहता है एससीओ को, इंडिया ने बड़ा फर्म स्टैंड रखा था कि टेररिज्म के बिना मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इतने तलखित के बावजूद अगर आप थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, जहां आप हाथ मिलाते हैं, साथ बैठ के खाना खा सकते हैं एक टेबल पे, तो मेरा ख्याल है इसको एक पॉजिटिव नोट के साथ रखना चाहिए। जयशंकर जाते हुए जो फ्लाइट में चढ़ते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात, शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, यहां की सरकार का और यहां पे काउंटर पार्ट का, और उसकी कर्टसी और हॉस्पिटैलिटीज के लिए उनको थैंक यू बोला। तो ये मेरा ख्याल है तभी मुमकिन हो पाता है जब आपके मन में यहाँ से कोई एक हल्की सी उम्मीद है, वो कोई पॉजिटिविटी लेकर आप इस्लामाबाद से जा रहे हो। बहुत शुक्रिया। क्विकली आप दोनों से एक सवाल, मुझे ये बताइए कि आप दोनों ने इस सारे डेवलपमेंट को पॉजिटिव करार दिया, और जहर एवरी वन वॉच्ड इट, हू रेड इट, वो सारा पॉजिटिव ही है। मुझे बताइए कि आपकी क्विक ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्या बायलैटरल हमारा शुरू होने में अभी टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है, क्योंकि अभी कोप की एक प्लेटफॉर्म भी आ रहा है जहां पर दोनों इकट्ठे हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो लगता है आपको कि हम बायलैटरल भी किसी टाइम पे शुरू कर पाएंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा बायलैटरल शुरू होने में, लेकिन क्या मुलाकातें फिर से शुरू हो जाएंगी? शायद मुलाकातें हो सकती हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ऐसे मल्टीलैटरल फोरम, कॉप आने वाला है तो ये क्लाइमेट समिट के साइड लाइन्स पर भी शायद मुलाकात हो जाए, लेकिन ये एजाज अगर आप देखें
तो जब इमरान खान की सरकार थी तो हार्ड लाइन ले लिया था इमरान खान ने। जब कोलिशन सरकार थी और बिलावल फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी बड़ा हार्ड लाइन ले रखा था, लेकिन जब शरीफ खुद होते हैं, चाहे वो मियां साहब हो या मियां शहबाज शरीफ हो, तब हमें नजर आता है थोड़ा सा पोजिशन पॉलिसी चेंज, जहां पे बोलते नहीं इंडिया से बात करने की जरूरत है। वो चेंज जो है उसकी वजह से शायद इंडिया भी थोड़ा एक्सेप्टिंग हो गया है, लेकिन वो एक्सेप्टिंग तब तक है जब तक अगला टेरर अटैक ना देखे। इतनी बुरी बातें क्यों कर रही हैं? शुभ शुभ बातें कर रही हैं, अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि प्रमाइस ये है ना इंडिया का। जब जब प्रमाइस ये है तो फिर रियलिटी ये बन जाता है। अनफॉर्चुनेट भारत और पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो यही है कि कुछ मुद्दों पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। आप बेंचमार्क देखिए कितना लो है। पहले कहते थे वाह, मतलब दोनों लीडर्स मिले तो बातचीत क्या हुई, जरा बताएं डिटेल्स बताएं। फिर होने लगा क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, उसके बाद होने लगा मुलाकात होगी या नहीं होगी, ठीक बात। और फिर अब ऐसे दिन आ गए जब बोला जयशंकर आएंगे या नहीं आएंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अब आपका बेंचमार्क इतना लो है और उस लो बेंचमार्क से आपको उठ के आना है, तो नॉर्मलसी में वापस आने में, नॉर्मलसी को इस इन रिश्तों में वक्त तो लगेगा। जी आवश्यक क्या है आपका क्विक कमेंट? मेरा ख्याल है देखिए, जो सबसे पहले जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स जो रिलेशनशिप में होते हैं, तो जैसे कर्सी की, तो वही मीडिया जो पाकिस्तान में भी हो चाहे हिंदुस्तान में भी, वो बहुत ज्यादा एक नैरेटिव के साथ चलता है कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। मेरा ख्याल आपके यहाँ भी ये नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अच्छा। मैं अब आपको बात बताऊँ, आपने वो टेररिज्म की बात की, हमारे यहाँ जो स्टेट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जा रहा है, वो इंडिया का नाम लेते हैं, हमारी सरकार लेती है, खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म के ऊपर है। लेकिन बावजूद इसके कि नाम लिया जाता है, कुछ केसेस में सामने आके बताते भी हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो लेफ्ट पे हैं, चाहे वो राइट है, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एवरीवन वांट्स गुड रिलेशंस विद इंडिया। तो यहाँ पे आपके तो वहां पे है ना कि जी टेररिज्म दे, हम टेररिज्म से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे यहाँ इस हवाले से। और फिर मैं ऑनेस्ट एक राय दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपके मीडिया में मैंने देखा, खुद मैं कई प्रोग्राम्स में आया हूँ, बहुत ज्यादा पाकिस्तान बैशिंग होती है। हमारे यहाँ आप टीवी चैनल्स लगाएं, आपको इंडिया बैशिंग नहीं मिलेगी। और हमारी और फिर आपके यहाँ इलेक्शन में पाकिस्तान बैशिंग बहुत होती है, हमारे अब नहीं, अब आपके यहाँ हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ, लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं है, इंडिया बैशिंग नहीं होता था इलेक्शन, अभी भी वो लेवल नहीं, लेकिन अब है। लेकिन गीता आपको पता है, आई एग्री विद, लेकिन वो लेवल नहीं है जो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार लिटरली मैं ये इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा हूँ, मैं जेन्युइन आपकी बात कर रहा हूँ, हो सकता है वहीं से पिक किया हो, लेकिन ये नैरेटिव कि हिंदुस्तान को बैश करके हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल नैरेटिव को फर्दर कर सकते हैं, ये आपके यहाँ भी लोगों ने काफी ज्यादा, हमने कहाँ से ले लिया? नहीं, लेकिन इस हम ये दोनों गलत है, उधर होना भी गलत है और इधर होना भी गलत, चाहे गलत हो चाहे, लेकिन इस बारी इस इलेक्शन पाकिस्तान कम यूज हुआ। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान बैशिंग बहुत होता था, इस बारी हमारे अपने मिसाइल इतने थे, अपने मुद्दे इतने थे कि हम अपने मुद्दे से लीडर्स पाकिस्तान तक पहुंचे ही नहीं। चलिए खैर, कहाँ था दिखाइए, इस बार हमारे पास बहुत सारे अदर थिंग्स थे। गीता जी, मैं एक दो स्पीचेस का हवाला देना नहीं चाहता हूँ, डजंट लुक नाइस। हम मेरे ख्याल में जो हम दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, ये एक रियलिटी है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं, कुछ थोड़ी सी गलतियां आपकी तरफ से हुई, हम दोनों ने गलतियां, हम दोनों पड़ोसी हैं और साथ बैठ नहीं पा रहे, तो मेरे ख्याल में इश्यू तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। आप देखें ना, हम जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे मिलते हैं, गीता आपसे मेरी गोवा में मिले, हम लोग साथ बैठते हैं, नहीं साथ खाते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो साथ नहीं बैठते हैं, स्टेट पर हम बात नहीं कर सकते, वाटर शेयरिंग पे बात नहीं कर सकते, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट पे बात नहीं कर सकते। मैं यहाँ इस्लामाबाद आया था और तक्षशिला लोगों ने बताया यहाँ से करीब 50 किलोमीटर के दूर, और मेरा बहुत ज्यादा दिल था क्योंकि तक्षशिला वो जगह है और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है ऐसे ही, तो मैं वहां के साइट्स पर गया हूँ और मेरा क्योंकि पाकिस्तान आने का तो मौका मिलता नहीं,
है, तो मेरा बड़ा मन था कि शायद तक्षशिला जाके वो जो हेरिटेज है, जो शेयर्ड हिस्ट्री है जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं, उसको देखने का मौका मिले। तो लेकिन सरकारें हैं वो आपको वीजा नहीं देगी, वो अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि एक ट्रस्ट नहीं है आपके साइड पे भी, हमारे लिए नहीं है और हमारे साइड पे भी आपके लिए। और जब तक ये जो 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 पीपल टू पीपल इंगेजमेंट या ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, तो शायद लोगों में वो माहौल नहीं आ पाएगा। और जो जो टॉप डाउन अप्रोच रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है फॉरन पॉलिसी दो देशों के बीच में, अगर लोगों में इस नैरेटिव को लेकर काफी पॉजिटिविटी आए कि हाँ लोग अच्छे हैं, मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल वो भी एक जी। अच्छा वैसे मैं यस और नो में एक बात, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान नेक्स्ट ईयर फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है क्रिकेट की, अगर उधर से ही बात का आगाज हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट खेले, तो कैसा रहेगा वैसे आपकी, मैं जाती है जस्ट योर ओपिनियन। पता नहीं, फरवरी दूर है, शायद कोशिश यही है कि सक्सेसफुली डिसीजन हो जाए, पाकिस्तान में होगा या न्यूट्रल ग्राउंड में होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर होता है तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समैनशिप किसी को भूलना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल क्रिकेट गेम है और गेम हमेशा स्पिरिटेड होता है, वो जोड़ती है चीजों को, तो अगर क्रिकेट की बुनियाद पे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं तो मेरा ख्याल इसमें बहुत शुक्रिया। दोनों भारतीय साथियों की गुफ्तगु आपने सुनी, बड़ी रीजनेबल बातें हुई हैं और बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें हुई हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें बड़ी देर के बाद होती हैं। हम साफी जब भी आपस में किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे मिलते हैं हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि इस